हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि घर बैठे पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग आपको आजादी देता है। आप घर बैठे अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं, मुश्किल के इस वक्त में जब बहुत सारे लोगों की जॉब छूट रही है, काफी सारे बिजनेसेस ठप पड़े हैं, उस वक्त में भी आप घर बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, ये सब मुमकिन है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है? डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि बहुत सारी छोटी चीजों से मिलकर बना है। तो आइए हम और आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की उन छोटे पहलुओं पर। ये सारी छोटी चीजें क्या है? इनका सबसे पहला शुरुआत होता है वेबसाइट क्रिएशन से। यानी जब भी मुझे मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार ऑनलाइन बढ़ाना है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है मेरा वेबसाइट का। तो वेबसाइट के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है वो शुरुआत होती है वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस क्या चीज है? तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट को सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके, यानी कि चीजों को सिर्फ उठाया और यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, उस तरीके से अगर मैं अपनी वेबसाइट को बनाना चाहता हूँ तो वो भी मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल, वर्डप्रेस के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। और वर्डप्रेस से होती है हमारी वेबसाइट की शुरुआत, यानी डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत। सो वेबसाइट तो बन गया, बट अब SEO की जरूरत है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मेरी वेबसाइट जो कि बहुत अच्छी है, मैंने बनाई है, सारी कोशिशें मैंने करी, उसके अंदर सारी बेस्ट से बेस्ट चीजें मैंने लोगों को देने की कोशिश करी, पर जब उस वेबसाइट को गूगल के ऊपर, गूगल जैसे सर्च इंजन के ऊपर खोजा जाएगा, तो वेबसाइट का नामो निशान नहीं है। क्योंकि वेबसाइट सर्च करने पर गूगल के ऊपर एक बारी में 1 करोड़ या 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो 20 लाख रिजल्ट्स आने के बाद अगर मेरी वेबसाइट नहीं दिख रही है तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर करना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जानते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक फंडा होता है जिसके थ्रू मैं मेरी वेबसाइट को गूगल के बताए गए रूल्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करता हूँ, यानी कि उसके कंटेंट को उस हिसाब से बनाता हूँ, उसके ऊपर डाली गई चीजों को उसके हिसाब से, गूगल के रूल्स के हिसाब से बनाता हूँ, और उससे तय होता है कि मेरी वेबसाइट पहली पोजीशन पे दिखेगी या आखिरी पोजीशन पे दिखेगी। देखिए, अगर मेरी वेबसाइट पहली पोजीशन पे दिखती है तो मुझे फायदा है, क्योंकि फिर मेरे पास आता है ट्रैफिक, यूजर। और अगर मेरी वेबसाइट दूसरे पेज पे दिखेगी तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो SEO में कहावत है, अगर आपके पास कोई कीमती चीज है जिसको आप छुपाना चाहते हैं, उसको आप गूगल के सेकंड पेज पे जाके छुपा दीजिए, क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता है, तो आपकी कीमती वैल्यूएबल चीज वहां पे सुरक्षित है। इसीलिए हमको वेबसाइट्स को टॉप रैंक कराना बहुत जरूरी है, पहले पेज पे रैंक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड पेज पे कोई नहीं जाता। डिजिटल मार्केटिंग के सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और SEO के बाद हमारे अगले मॉड्यूल पे आते हैं, जिसका नाम है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया वर्ड से बहुत वाकिफ होंगे, क्योंकि हम सब बहुत टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया, तो मेरा मतलब है फेसबुक, मेरा मतलब है यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, और इससे मिलते जुलते जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो सोशल मीडिया का बिजनेस को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वेबसाइट बन गया, वो रैंक कर गया, बट उसके बाद भी मुझे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया फेसबुक, तो फेसबुक के ऊपर है बहुत सारे लोग जो कि कई तरीके के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, और वही लोग मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, बट मैं उन लोगों को नहीं जानता। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है फेसबुक एड्स की। आपने भी कई बार अपने लाइफ में इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब आप अपने फेसबुक पेज को स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको दिखते हैं काफी सारे तरीके के अलग अलग एड्स जिनके ऊपर लिखा होता है। तो ये एड्स किस तरीके से काम करते हैं, ये हम लोग जानेंगे आगे इस डिजिटल मार्केटिंग के सफर में। आगे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ सोशल मीडिया से हट के गूगल एड्स के बारे में। गूगल एड्स क्या चीज होती है? सो गूगल एड्स बिल्कुल सोशल मीडिया एड्स की तरह काम करते हैं। जहां मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक एड्स आपने कई बार नोटिस किया होगा अपना टाइमलाइन पे स्क्रॉल करते वक्त स्पॉन्सर्ड, वैसे ही गूगल एड्स भी ठीक उसी तरह काम करते हैं। और जब भी आप कोई क्वेरी या कुछ भी चीज, कुछ भी सेंटेंस गूगल सर्च के ऊपर सर्च करते हैं, तो वहां पे आपने ऊपर देखा होगा एक अलग से ट्रिगर्ड सेंटेंस दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है एड, और इसी से हमको पता पड़ता है कि ये गूगल पे चलने वाला एक एड है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है एड, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो है एक ऑर्गेनिक लिंक, जो कि हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद यहाँ तक हमारी वेबसाइट को पहुंचाते हैं। सो जितना इंपॉर्टेंट रोल फेसबुक का रहता है या ट्विटर का रहता है या इंस्टाग्राम का रहता है एड्स के अंदर, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है गूगल एड्स का भी
आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और ये सारी चीजें मिलके बनाती है आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग। तो आइए हमारे सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद क्या, यानी डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स। तो देखिए बेनिफिट्स कुछ कुछ इस तरीके से होते हैं, जहां पे ये डिसाइड करता है कि आप इस वक्त करंटली किस सिनेरियो में हैं, यानी कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, क्या आपका खुद का एक बिजनेस है। जब मैं बोलूं कि आप स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेशनल आदमी है या एक बिजनेस ओनर है, तो उसके पीछे का वेटेज आप समझिए। स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रह जाता है, ये बहुत जाहिर बात है, हमको पढ़ना चाहिए। तो बेनिफिट समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे मैं तीन अलग अलग रोल्स की बात करूंगा। पहला रोल, जहां पे एक स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, वो अपना फ्यूचर कैसा देख रहा है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। सो अगर आप भी एक स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त और डिजिटल मार्केटिंग भी साथ के साथ अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सुनहरा भविष्य है गाइज। आप इसके आगे जॉब कर सकते हैं, आप इसके आगे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो टर्म आपने सुना होगा घर बैठे कैसा पैसा कमाना है, फ्रीलांसिंग करके आप बाहर से विदेश से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप घर बैठे अपना पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आप अपनी मर्जी से पैसा कमाते हैं और आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने मर्जी के टाइम से काम करते हैं। जॉब करने के अलावा, फ्रीलांसिंग करने के अलावा, तीसरा रास्ता जो आपके सामने खुल जाता है वो होता है एक स्टार्टअप का। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास तीन चार आप लोग दोस्त हैं, या आप अकेले भी हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास खुल जाता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। चौथा ऑप्शन है ट्रेनिंग का, यानी कि आप आगे चल के अपने जैसे एंथुजियास्ट लोगों को जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उनको भी ट्रेन कर सकते हैं। इंडिया में इस वक्त बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग एजेंसीज हैं जो कि अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रही है ट्रेनिंग देने के लिए, यानी डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, बट आप उनसे कॉम्पीट करते हुए इस मोड में और अर्निंग कर सकते हैं और अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जहां पे हम लोग एक रोल की बात करते हैं, जहां पे आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि आप एक जॉब कर रहे हैं, किसी एक प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं और अब आपको दिख रहा है कि इस प्रोफेशन के आगे कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर इस प्रोफेशन में सैलरी वाइज हाइक नहीं है, पैसा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है और आप चाहते हैं अपना प्रोफेशन स्विच करना। सो डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त प्रोफेशन स्विच करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए कोरोना आया, कोरोना पेंडेमिक आने के बाद लोगों के सारे बिजनेसेस नीचे चले गए, सब लोगों की जॉब छूट गई और इस वजह से क्या हुआ कि सारे बिजनेसेस ऑनलाइन मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑफलाइन तो हम लोग अब कुछ कर नहीं सकते, आप लोग आसानी से बाहर नहीं जा सकते, आप आसानी से अपने क्लाइंट से मिल नहीं सकते, बट हाँ ऑनलाइन अप्रोच आप आज भी रख सकते हैं, यानी कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसके थ्रू आप अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं और यही अप्रोच कंपनीज ने भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो उसी वजह से कंपनीज अब हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर्स को ढूंढ रही है जो उनकी मदद करे उनके क्लाइंट्स को ढूंढने में। तो ये हो गया आपका सेकेंड मोड, जहां पे आप अपना प्रोफेशन स्विच करना चाहते हैं और उसके बेनिफिट क्या है। तीसरा मोड, जहां पे आपका खुद का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को ग्रूम करना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपको फेज वन से बताता आया हूं, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी वेबसाइट से, उसके बाद हमने उसके लिए किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हमने उसके लिए सोशल मीडिया पे काम किया और फाइनली हमने उसके लिए गूगल एड्स पे काम किया। तो आप अपने बिजनेस को इस पैटर्न के थ्रू बढ़ा सकते हैं और ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया तो आप इसको बहुत अच्छे चरम सीमाओं पे ले जा सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपने इन पैसे को गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, और जब मैं बोलूं गलत तरीका यानी बिना चीजों को सीखे आपने इन पैसों को इन्वेस्ट करा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बेनिफिट स्टूडेंट की बात करूं तो काफी सारे ऑप्शंस खुल गए आगे, जहां पे आप जॉब कर सकते हैं, जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशन स्विच करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त बहुत सही टाइम है उसके लिए, और अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप डिजिटल मार्केटिंग को किसी भी वक्त अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आई होप इस छोटी सी कॉन्वर्जेशन में आपको ये समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग चीज क्या है, कैसे काम करती है। मुझे मालूम है हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करा, पर आप लोग इन वीडियोस के सेशन को देखते रहिए, आगे के जो फॉलोइंग वीडियोस है उसके अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि मॉड्यूल्स किस तरीके से काम करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप प्लीज उन डाउट्स को पूछिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए ताकि आप भी अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें। थैंक यू।